गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, चार झुलसे। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से, जहां घुगली थाना क्षेत्र के पड़री बिशुनपुर गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से घर में चार सदस्य झुलस गए। सभी को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं मौके पर सदर SDM जिला अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हाल जाना। ग्राम सभा पड़री बिशुनपुर बिलैया टोला निवासी शैलेंद्र की पत्नी बदामी, उम्र 38 वर्ष, खाना बना रही थी। उसी समय गैस रिसाव से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप पकड़ लिया, जिससे सिलेंडर फट गया और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया, जिससे उनकी बेटी अन्नू 15 वर्ष, तनु 13 वर्ष, बेटा 11 वर्ष बिट्टू झुलस गए। विस्फोट के कारण घर का छत टूट गया तथा घर में आग तेज रूप से फैलने लगा। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने उन्हें आनन-फानन में आग से बाहर निकाला तथा निजी साधन से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे थाना गुगली पुलिस को ग्राम पकड़ियार बिशुनपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निवासी शैलेंद्र विश्वकर्मा पुत्र पारस विश्वकर्मा के घर में सिलेंडर के फटने से वो, उनकी पत्नी तथा उनकी दो बेटियां घायल हो गई हैं। प्राप्त सूचना पर मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर घायलों को चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय महाराजगंज भेज दिया, जहां पर घायलों की स्थिति अभी ठीक है और इनका इलाज कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।